जेबा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बुंदेलखंड न्यूज 24। मध्य प्रदेश में शिवपुरी जिले के करेरा के पास रहने वाले दंपत्ति एसएसपी कार्यालय पहुंचे। दंपत्ति का आरोप है कि कुछ दबंग लोग रंगदारी न देने पर उन्हें मकान निर्माण कार्य नहीं करने दे रहे हैं, जिसकी शिकायत पुलिस उच्च अधिकारियों से करते हुए पीड़ित ने न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित ने शिकायत करते हुए बताया कि उसने सीपरी बाजार थाना अंतर्गत आईटीआई कॉलोनी क्षेत्र में एक प्लाट खरीदा है जिस पर वह निर्माण कार्य करा रहा है। इसी दौरान कुछ दबंग प्रवृत्ति के लोग उससे 3 लाख रुपए की रंगदारी मांग रहे हैं। कह रहे हैं कि रंगदारी दो या फिर प्लाट छोड़कर भाग जाओ। उक्त लोगों ने धमकी दी कि प्लाट पर निर्माण करोगी तो तुम्हारी पुत्री को उठा ले जाएंगे और पुलिस हमारा कुछ नहीं कर पाएगी। वह इसकी शिकायत लेकर थाने पहुंचे, जहां शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया गया। परेशान होकर पीड़ित ने एसएसपी कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। झांसी से चंचल राय के साथ रवि प्रजापति की रिपोर्ट। मामला जी प्लॉट का रंगदारी का मामला है, गप्पू यादव वगैरह है और प्रेमनाथ यादव हैं और स्कॉर्पियो से आए, क्रीम कलर के स्कॉर्पियो से हमारा काम रोका। उन्होंने 1 महीने से परेशान है, बराबर हम 50 किलोमीटर दूर से आते हैं, करेरा सीपरी से आते हैं, आईटीआई पे है प्लॉट। शिकायत थाने में बराबर जा रहा है, वहाँ से थाने जो भी आ जाते हैं पुलिस वाले उधर चौकी वाले रोकने के लिए, हाँ वो भी कम रोकवा देते काम। 1 महीने से परेशान है बराबर थाने भी। दस्तक देने वाले हैं विधानसभा चुनाव। बुंदेलखंड की सीटों पर होगा किसका राज? बाजी मारेगी सपा या भाजपा, या होगा बीएसपी का राज? कांग्रेस रहेगी किस पायदान पर, यह बताएगा हमारा अभियान। जनता का मन टटोलने के लिए झांसी बबीना के हर गांव में पहुंचेगी बुंदेलखंड न्यूज 24 की टीम। बुंदेलखंड न्यूज 24 के साथ हर रोज देखें जनता के मन की बात हमारे खास कार्यक्रम चुनावी गणित में। बहुत जल्द आने वाला है चुनावी गणित आपके अपने चैनल।